असम राइफल रैली रिक्रूटमेंट 2023 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट हो गई कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस भर्ती की जो रैली की दौड़ होगी 11 फरवरी को आपको यहाँ पर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो असम राइफल की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि असम राइफल की ओर से नई वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है, यानी कि भारतीय किसी भी राज्य से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। आपको यहाँ पर दौड़ लगानी होगी। 1600 मीटर के लिए आपको यहाँ पर 7 मिनट का समय दिया जाएगा। और अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। और आपको यहाँ पर जो अपना आवेदन फिल करना होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, यानी कि जो आपकी हाइट रहेगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करा दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इनर जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 50 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है। वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बताकर जाना। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए, केवल मेल कैंडिडेट के लिए 80+5 सेंटीमीटर का फ्लाव भी होना अनिवार्य है। जो आपको यहाँ पर दौड़ लगानी होगी मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर के लिए आपको यहाँ पर 24 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर के लिए 8.5 मिनट का समय आपको भी यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप इस भर्ती के निम्न जानकारी लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिकर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको निम्न जानकारी प्रोवाइड करा दी गई है। और अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, फिर इस रैली के लिए भाग लेना चाहते हैं, आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जानकारी प्लस इनकी जीरोक्स भी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड अगर आपके पास है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। 4 से 6 फोटो आपको यहाँ पर रैली के लिए जाना होगा, जिसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है। अगर हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट्स आवेदन करेंगे उनकी वहाँ पर छटनी की जाएगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट फेक या गलत पाया जाता है, तो आपके वहीं के वहीं डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सबसे लास्ट में फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा कुछ भी किया हुआ है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आगे दे दूंगा। अप्लाई मोड जो होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी राज्य से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जो भी लोग एग्जाम सेंटर जॉब करेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी पूरे भारत में आपको एमबी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्किल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 18,000 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी मिल जाएगी, यानी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर वेतन भी दिया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यूआर जनरल ओबीसी के लिए यानी कि सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा। भले आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपके 18 ईयर से लेकर 25 ईयर के बीच में अगर आपकी एज आती है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 18 से 28, एसएससी कैंडिडेट के लिए 18 से 30। जो एज काउंट की जाएगी वो 22 जनवरी तक की जाएगी, यानी कि 22 जनवरी को आपकी एज 18 से कम होने 25 से ज़्यादा हो, यानी कि जो यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एसएससी वालों को 5 ईयर दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर छूट भी आपको दी गई है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल मैं पहले ही बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले पाएंगे। इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आपको इस वेबसाइट पर भी दी गई है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस भर्ती नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, लेकिन उससे पहले अगर हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, असम राइफल की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती की जो डेट रहेगी रैली के लिए 11 फरवरी 2023 को आपको यहाँ पर दौड़ के लिए जाना होगा। कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा और कौन कौन सी वैकेंसी दी गई है, उसकी जानकारी भी आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर
पर ये वाली वैकेंसी का नेम रहेगा। 10वीं पास कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। टोटल आपको जो वैकेंसी मिलेगी 95 यानी 95 वैकेंसी आपको यहाँ पर टोटल दी गई है। सभी जानकारी आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।